दोस्तों, बरसात का मौसम है, तरह तरह के एलर्जीज और इन्फेक्शंस अनइनवाइटेडली इन्वाइटेड हैं। तो ऐसे में ऐसा क्या करें कि हमारी एनर्जी तो बूस्टअप हो ही हो और हम एक छोटे मोटे इन्फेक्शन से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते हुए बरकरार रख सकें। तो दोस्तों, उसी के लिए आज ये मैंने बनाई है गुड़ चने की ये बर्फी कुछ ख़ास मसालों के साथ में, ताकि इसको खाने से स्वाद तो आए ही आए और हमारी इम्यूनिटी भी बरकरार रहे। तो ये देखिए, आज मैंने इसी की रेसिपी आपके साथ शेयर करनी है कि मैंने इनको बनाने के लिए किन किन उपायों का प्रयोग किया है और कौन कौन से मसाले मैंने इसमें मिलाए हैं, ताकि हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती रहे और हम छोटे मोटे इन्फेक्शन को तो अपने पास आने से पहले ही झटका दे दें। तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं आज इसी की रेसिपी। ये मैंने बनाई है आज लेफ्ट ओवर घी के चिट से चने, मूंगफली और मखाने की बर्फी। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मैं शेफ राजेश, देसी शेफ लिटिल किचन से। दोस्तों, आज भी मैंने घी निकाला और ये घी का लेफ्ट ओवर मेरे पास बच गया है और ये थोड़ा बहुत घी इसके पास में निचोड़ के आ गया। जो घी निकला वो तो मैं अंदर कर गया। आज मैं बनाने जा रहा हूँ इसी बचे हुए देसी घी के लेफ्ट ओवर से ये चने की बर्फी। इसके अंदर में मैं कुछ इंग्रेडिएंट और भी मिलाऊँगा, जैसे कि मूंगफली, मखाना, डेसिकेटेड नारियल, थोड़ा सा तेल और ये सौंठ, ये मतलब ड्राई जिंजर पाउडर है, इसको भी मैं आज प्रयोग में लेके आऊँगा। और साथ ही में जाएंगे मेरे थोड़े से तेल। तो दो चीज़ें हुई, एक तो ये घी का लेफ्ट ओवर बचा, दूसरा बरसात के मौसम की वजह से मेरा गुड़ भी कुछ इस तरह से पिघल गया। तो आज इसी गुड़ को प्रयोग करते हुए मैं आज बनाऊँगा ये चने की बर्फी, थोड़ा सा मूंगफली और मखाना मिलाते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। दोस्तों, लेने को तो मैं भुने हुए चने का सत्तू भी ले सकता था, पर मैंने आज ये बिना छिलके वाले चने लिए हैं जो कि भुने हुए हैं, और इनको मैं कोरसली ग्राइंड करूँगा, यानी दरदरा पीसूँगा। और साथ ही में ये मूंगफली और मखाने, इनको भी मैंने माइक्रो में एक एक मिनट के लिए भून लिया है। आप इसको कढ़ाई में भी भून सकते हैं। और ये देखिए, भुनने के बाद में ये देखिए कितने ही फर्स्ट क्लास हो गए ना। और ये मूंगफली भी भुन गई है। तो माइक्रोवेव के अंदर में इनको भुनने का टाइम है मखानों का एक मिनट और मूंगफली का दो मिनट, अदरवाइज़ आप इनको आप पैन में भी भून सकते हैं। तो अब इनको सबको मैं ग्राइंडर में पीस लूँगा और फिर उसके बाद में अगला स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये चने, इनको मैं दरदरा पीस लूँगा, थोड़ा मोटा रखते हुए, थोड़ा सा दानेदार रखते हुए। तो बस इसको मैंने झटपट पीस के आया, पीस के नहीं, ग्राइंड करके आया। तो ये मैंने थोड़ा सा दरदरा दानेदार पीस लिया, बहुत फाइन नहीं पीसा। और ये सारा का सारा गया सीधा मेरी कढ़ाई में, जिसके अंदर में मैं इन सब चीज़ों को मिक्स करूँगा। और इसी में मैंने देसी घी बनाया था, तो जो थोड़ा बहुत इसमें लगा हुआ है वो भी इसी के साथ में लिपट जाएगा। अब ये मखाने और मूंगफली, इनको मैं इकट्ठा ही पीस लूँगा और इसका थोड़ा मैं फाइन बॉर्डर रखूँगा। ये लीजिए, मेरे मखाने और मूंगफली भी पीस गए। दोस्तों, मखाने मैंने लिए थे लगभग 40 से 50 ग्राम और मूंगफली ली थी मैंने 100 ग्राम। कच्ची मूंगफली ली थी और इसको मैंने साथ ही भून लिया था। और अब इसको भी मैं इसी में मिला दूँगा। फिर एक बार चने को और ये मखाना मूंगफली के मिक्स को मैं अच्छे से मिला दूंगा। दोस्तों, वैसे तो आपके ऊपर है, आप इसमें बादाम लीजिए, आप इसमें अखरोट लीजिए, ड्राई फ्रूट में जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको भी आप मिला के पीस के डाल सकते हैं। पर मेरे पास अभी तो सामान है वो, उसको मैं एज इट इज़ ही प्रयोग में लेके आ रहा हूँ। और ये देखिए,
अब इन दोनों को तो मैंने मिला दिया, अब इसी के अंदर में मैं डाल दूंगा ये देसी घी का लेफ्ट ओवर। और दोस्तों अगर आपके पास देसी घी का लेफ्ट ओवर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको 2 से 3 चम्मच देसी घी के साथ में भी शुरू कर सकते हैं। यानी कि अगर लेफ्ट ओवर है देसी घी का तो क्या ही बात है, नहीं तो 2 से 3 चम्मच देसी घी चाहिए इसके लिए। आप उसके साथ में इसको आपस में मिला सकते हैं। भूनने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जो चना था वो ऑलरेडी भुना हुआ था। सत्तू मैंने इसलिए नहीं डाला जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि मेरे को इसके अंदर में चने के थोड़े से कोरस दाने से चाहिए, यानी कि थोड़ा दर्रा बनाया था मैंने। और ये जो देसी घी का लेफ्ट ओवर है ये भी थोड़ा दर्रा है, ये देखिए। और बस इसी तरह से अब मैं इसके अंदर में गुड़ को मिलाऊंगा, कैसे वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अब मैंने गुड़ को बर्तन में ले लिया है और अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगा और इसका मैं सिरप बना लूंगा। सिरप बनाना है हमें, इसको स्टार या चाशनी नहीं बनानी, बस ये जैसे ही आपस में मेल्ट हो जाते हैं और बस उतना ही करना है कि बस ये मेल्ट हो जाए और एक सार हो जाए पानी के साथ में। ये देखिए ये सारा का सारा गुड़, बस इसको पिघलाना है, इसकी चाशनी नहीं बनानी, इसकी कोई हमने तार नहीं काटनी है, बस इसको ऐसे ही पिघला लेना है। और जैसे ये तैयार होता है मैं झटपट मिलता हूँ आपसे। तो लीजिए दोस्तों ये मेरा गुड़ का सीरा बन गया और अब मैं इसको डाल दूँगा ये जो मैंने अपना चने मखाने और मूंगफली का जो मैंने अपना बनाया था पाउडर, अब इसी के अंदर में मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके मिला दूंगा। अब दोस्तों एक छलनी ले लेनी है और इसको छानते हुए इसी में हमने डाल देना है। ये देखिए अब इसको हमने आराम से मिला देना है और देखना है कि भैया इसको बाइंडिंग आ गई है कि थोड़ा सा इसको पकाना पड़ेगा। ये देखिए अब दोस्तों इसमें जाएगी ये मेरी ये सौंफ का पाउडर जो मैंने पीस के रखा था, ये लगभग डाला है मैंने 1.5 चम्मच। इसमें डालूंगा मैं अब ये डेसिकेटेड कोकोनट, ऑप्शनल है, आपके पास है तो डालिए नहीं तो कोई बात नहीं। और डाल दूंगा मैं 1 चम्मच के लगभग इसमें तेल, और ये डाल दूंगा मैं चम्मच भर के ये सूखी सौंठ अदरक का ड्राई पाउडर। और अब इनको एक बार अच्छे से मिलाता हूँ और फिर मिलता हूँ। अब हम सब चीज़ों को मिला के इसको धीरे धीरे थोड़ा सा भून लेंगे मिला के, और देख लेंगे कि हमको इसकी जब हमने बर्फ़ी काटनी है तो उसकी सेटिंग तक ये हमें कितना ड्राई करना है या और कितना इसको थोड़ा सा सुखाना है। और अब इस स्टेज पे आके डाल दूंगा ये मैं इलायची। इलायची को मैं कभी भी बनाता हूँ तो मैं चीनी डाल के इसको पीस लेता हूँ तो इलायची के छिलके भी पिस जाते हैं। तो ये मैंने 5 से 6 इलायची पीस के इसमें डाल दी। और ये थी मेरी एक टिप जो मैं हमेशा ही देता हूँ कि कभी भी इलायची पीसनी हो तो आप उसको चीनी के साथ में ग्राइंडर में डालिए, झटपट ही पिस जाएगी छिलके के साथ। ये देखिए तो लीजिए दोस्तों ये मेरी गुड़ चने की बर्फी सेट होने के लिए तैयार। ये देखिए बहुत ज़्यादा ड्राई करूँगा तो ठंडा होने पे ये बिल्कुल सूखी सूखी लगेगी, सॉफ्ट नहीं रहेगी। तो सुखाना भी उतना ही है जितनी ज़रूरत है। ये देखिए तो देसी घी भी मेरा यूज़ हो गया लेफ्ट ओवर, मेरा गुड़ भी लेफ्ट ओवर यूज़ हो गया, और मेरी इतने से सामान से ये देखिए घर पर ही शुद्ध देसी घी की गुड़ चने की बर्फी एकदम तैयार, तिल और मूंगफली मखाने के साथ।
तो बस अब इसको मैं निकाल के सेट कर लूँगा। दोस्तों मैंने ये मोड़ ले लिया है, इसके बीच में थोड़ी सी मैंने ये देसी घी की ही थोड़ी सी ये ब्रशिंग कर ली है, और अब इसी के अंदर में अपना ये सारा बर्फ़ी का मिक्स निकाल लूँगा। ये देखिए मेरा सारा मिक्स मैं इसी में है झटपट निकाल लेता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, ये मेरी गुड़ चने की बर्फ़ी मैंने सेट होने के लिए रख दी है। जैसे ये ठंडी होती है मैं इसके पीसेस काट लूँगा। कुछ को मैंने रोल बना लिया, ये देखिए, और एक दो मैंने ऐसे सांचे में डाल दिए, ये देखिए। मतलब आप जैसा मर्जी चाहिए, अब ये कुम्हार की मिट्टी है, बिल्कुल ऐसी कि जैसा आप चाहें इसको वैसा घुमाएं। और ये देखिए मैंने ये मूंगफली का पाउडर बता, इसी के अंदर में मैं इन सबको बारी बारी रोल कर लूँगा। ये देखिए तो देखने में और भी सुंदर हो जाएंगे। तो लीजिए दोस्तों, ये मेरी गुड़ चने मूंगफली और मखाने की ये बर्फी सेट हो गई है, और ये लीजिए कितनी शानदार बनी है ना। बस आप इसके डिज़ायरेबल पीसेस काट लेते हैं। पीसेस अपने हिसाब से काटते हैं कि बर्फ़ी का जो साइज़ है उसके हिसाब से। ये देखिए कितनी शानदार बनी ना अंदर से, ये देखिए। और अब अभी भी इसके पीसेस काट के अभी इसको झटपट डेकोरेट करते हैं। और अब इसके ऊपर में आप चाहें तो इस पे बादाम लगाएं, काजू लगाएं, जो मर्जी लगाएं। मैं इसके ऊपर में ये मैंने मूंगफली थोड़ी सी दानेदार करके रखी थी, बस इसी को मैं इसके ऊपर में अब अच्छे से डेकोरेट कर दूंगा। तो लीजिए ये मेरी आकाश गंगा सी गुड़ चने की बर्फी एकदम तैयार, बस झटपट ही बन गई, वो भी सारे लेफ्ट ओवर से, और देखने में कितनी ही स्वादिष्ट है। और दोस्तों क्योंकि इसके अंदर में थोड़े गरम मसाले पड़े हैं, तो ट्राई टू अवॉइड कि इसको प्रेग्नेंट लेडीज़ को ना दीजिएगा, क्योंकि इसमें सौंठ मसाले पड़े हुए हैं, जायफल वगैरह भी मैंने डालना था पर मैंने डाला नहीं, परंतु वो गर्म हो जाने की वजह से इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलूँगा कल नई टिप नई ट्रिक नई रेसिपी के साथ। तब तक आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ऑल्सो प्रेस द लाइक बटन फॉर माई मोटिवेशन एंड बेल आइकॉन फॉर माई वीडियोज नोटिफिकेशन। तो बस ऐसे ही मैं आपसे मिलता रहूँगा, नित नए प्रयोग नई टिप नई ट्रिक्स आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी आसान बनाई है, मैं भी चाहता हूँ आप भी अपनी ज़िंदगी किचन लाइफ में थोड़ा सा आसान बनाएं, और इस तरह के शॉर्टकट सजेशंस के साथ में आप भी भरपूर आनंद उठाएं। तो मिलूँगा कल, आपका दिन शुभ हो।